हे गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे HBSC के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंटरव्यू के टाइम पूछे जाते हैं, जो कि 90% इंटरव्यूअर्स इस क्वेश्चन को पूछते ही पूछते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में 90% आते ही आते हैं। जितने भी इंटरव्यूअर्स आते हैं गल्फ कंट्री के लिए इंटरव्यू लेने, वो लोग लगभग ये क्वेश्चन पूछते हैं HBSC के इंटरव्यू में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ HU? HU क्या है? HU किसे कहते हैं? HU क्या है? तो HU का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। अभी एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है? तो एयर हैंडलिंग यूनिट एक यूनिट होता है, एक बॉक्स के जैसा यूनिट होता है जो कि मैकेनिकल होता है, जिसमें कुछ ही इलेक्ट्रिकल पार्ट रहते हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या करता है, जो कि एयर को कंडीशन करता है और रूम में सप्लाई करता है डक्ट के थ्रू। AHU एयर हैंडलिंग यूनिट का काम है कि गर्म हवा को रूम से यूनिट में लाना। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे रूम के एयर को ये यूनिट में वापस लाया जाता है और फिर वहाँ से कंडीशन करके HU फिर से रूम में भेजता है, रूम के हवा को वापस लाना और फिर कंडीशन करके उसको ठंडा करके या फिर गर्म करके जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह का करके उसको फिर से रूम में भेजना, ये HU का काम है। HU में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिससे HU बना रहता है? तो सबसे पहला मेन कंपोनेंट होता है इसका कि इसमें डक्ट जुड़े रहते हैं, तीन डक्ट रहते हैं, रिटर्न एयर डक्ट जो कि रूम की हवा को वापस लाता है, फ्रेश एयर डक्ट जो कि फ्रेश एयर मिक्स किया जाता है, और सप्लाई एयर डक्ट जो कि एयर जो कंडीशन हो जाता है जिसको हम ठंडा कर देते हैं वो एयर फिर रूम में भेजा जाता है, उसके लिए डक्ट रहता है। तो तीन डक्ट रहते हैं, रिटर्न एयर, फ्रेश एयर और सप्लाई एयर डक्ट। अभी सबसे पहले एक बॉक्स में चेंबर रहता है, एक खाली जगह रहता है जिसका नाम रहता है मिक्सिंग चेंबर। मिक्सिंग चेंबर का क्या काम है कि वहाँ पे हम लोग रिटर्न एयर में फ्रेश एयर को थोड़ा सा मिला के मिक्स करते हैं, एयर को मिक्स किया जाता है, रिटर्न एयर में थोड़ा सा फ्रेश एयर को मिक्स किया जाता है। उसके बाद रहता है फिल्टर। फिल्टर तीन तरह का होता है, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर और फाइन फिल्टर जो कि हेपा फिल्टर होता है। प्री फिल्टर ये बड़े बड़े कचड़ों को फिल्टर करने के लिए रहता है, बैग फिल्टर जो कि बहुत छोटे कचड़े रहते हैं उनको फिल्टर करने का काम आता है, और हेपा फिल्टर ये स्मोक को फिल्टर करने का काम आता है। तो सबसे पहले मिक्सिंग चेंबर रहता है, उसके बाद फिल्टर लगे रहते हैं, प्री फिल्टर और बैग फिल्टर लगा रहता है। उसके बाद सबसे मेन कॉम्पोनेंट है कूलिंग कॉइल, ये कॉपर का कॉइल रहता है जिसमें कि हम लोग चिलर से चिल वाटर सप्लाई देते हैं और इसमें एयर टच करता है तो वो हवा ठंडा हो जाता है हवा टच करने से। उसके बाद होता है हीटिंग कॉइल, अगर हमें ठंडे के दिनों में गर्मी गर्म हवा की ज़रूरत रहेगी तो हम हीटिंग कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। इस कॉइल के अंदर हम गर्म पानी सप्लाई करेंगे और उससे जब एयर टच करेगा तो एयर जो कोल्ड एयर रहेगा वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद रहता है हमारा यूवी रे जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम आता है, ये बहुत सारे यूनिट में नहीं भी लग रहता है तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सबसे मेन कंपोनेंट जो इस पूरे यूनिट का रहता है, ये जो पूरा यूनिट है इसका सबसे मेन कंपोनेंट होता है मोटर पार्ट। मोटर पार्ट में क्या क्या रहता है? सबसे पहला रहता है थ्री फेज का मोटर, ब्लोअर फैन जो कि ब्लोअर फैन को घुमाने का काम करता है मोटर थ्री फेज का, और पुली लगा रहता है मोटर में भी ब्लोअर में भी, और ये दोनों कनेक्ट रहता है वी बेल्ट के ज़रिए। वी बेल्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यू के टाइम, इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट अगर आप मोटर पार्ट से करते हैं तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है, इंटरव्यूअर इसे इम्प्रेस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रहता है मोटर थ्री फेज का, ब्लोअर फैन, ब्लोअर मोटर, वी बेल्ट, पुली। इधर सप्लायर डक्ट रहता है, डक्ट्स में लगे रहते हैं आपके डैम्पर्स लगे रहते हैं, डैम्पर्स दो तीन तरह के होते हैं तो मैं आगे बताऊँगा। रिटर्न एयर डक्ट में भी डैम्पर लगा रहता है, ग्रिल्स लगे रहते हैं, आपका कैनवास के थ्रू HU से डक्ट कनेक्ट रहता है ताकि अगर वाइब्रेशन हो यूनिट में तो डक्ट को डैमेज ना हो। कैनवास लूज़ रहता है, कपड़े का रहता है, एक तरह का कपड़ा का मटेरियल रहता है उस तरह से रहता है ताकि वाइब्रेशन के टाइम उसमें इफेक्ट ना पड़े। इधर रहता है कूलिंग कॉइल के नीचे और हीटिंग कॉइल के नीचे ड्रेन पैन रहता है जिसमें कि मॉइस्ट वाटर जमा होकर बाहर ड्रेन आउट हो सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका जो डोर रहेगा उसमें लिमिट स्विच लगा रहता है, HU के डोर में लिमिट स्विच रहता है। ये सब कंपोनेंट्स होते हैं, पूछता है इंटरव्यूअर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ HU। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ HU। तो अभी मैंने जैसा बताया कि HU के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, HU एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, HU के कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में मिक्सिंग चेंबर, तीन डक्ट होते हैं रिटर्न एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, सप्लाई एयर डक्ट,
प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल, उसके बाद होता है यूवी रेज लाइट, उसके बाद होता है यहाँ नीचे ड्रेन पैन, उसके बाद होता है थ्री फेज ब्लोअर मोटर, थ्री पे ब्लोअर फैन, पुली, वी बेल्ट, डोर में लगा रहता है लिमिट स्विच, सप्लायर डक्ट रहता है, डैम्पर्स लगे रहते हैं डक्ट में, ये मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो हमारा चिलर से लाइन आता है इन लाइन और आउट लाइन, तो ये चीज़ याद रखने का है कि इन लाइन हमेशा नीचे रहता है और आउट लाइन हमेशा ऊपर रहता है। इन लाइन में वाई स्टेनर लगा रहता है, बटरफ्लाई बल्ब लगा रहता है, आउट लाइन में एक्चुएटर लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, बटरफ्लाई आपका टू वे वाल्व, थ्री वाल्व जो भी अगर लगाना है वो रिटर्न लाइन में लगा रहता है। ये सब याद रखना है, पूछता है इंटरव्यूअर ये सब। अभी दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट एंड फ्रेश एयर डक्ट, ये क्या होता है? सप्लाई एयर डक्ट किसे बोलते हैं, रिटर्न एयर डक्ट किसे बोलते हैं, फ्रेश एयर डक्ट किसे बोलते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे रिटर्न एयर डक्ट, जो रूम से हवा कुलाने का काम जो डक्ट करता है, जिस डक्ट का काम होता है कि रूम के यूज़ जो हवा हो जाता है यूज एयर को अपने यूनिट में, एच यू एयर हैंडलिंग यूनिट में लाने का जो डक्ट काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न एयर डक्ट, वो हवा को रिटर्न लाता है। सप्लाई एयर डक्ट जो हवा को फिर से रूम में सप्लाई देता है, लेकर जाता है, सप्लाई दिया जाता है, वो सप्लाई एयर डक्ट उसे कहते हैं। कि हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट से एक डक्ट निकला कनेक्ट, जिससे कि हम लोग ब्लोअर फैन की मदद से हवा को रूम में भेज रहे हैं, चिल्ड एयर को रूम में भेज रहे हैं, कूल एयर को रूम में भेज रहे हैं, वो हो गया सप्लाई एयर डक्ट। रिटर्न एयर डक्ट क्या होता है? रिटर्न एयर डक्ट तो मैंने बताया, अभी फ्रेश एयर डक्ट क्या होता है? हमारा जो रिटर्न एयर डक्ट रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा रहता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें हम थोड़ा फ्रेश एयर ऐड करते हैं ताकि थोड़ा ताज़ा हवा मिल जाए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और थोड़ा सा हवा फ्रेश हो जाए। तो उसके लिए एक डक्ट कनेक्ट रहता है जो कि हमें हमारे टेरेस पे या फिर कहीं पे आउटडोर पे से कनेक्ट बाहर आउट रहता है उसका, और वहाँ से वो हवा खींचता है फ्रेश एयर को, एटमोसफेयर से फ्रेश एयर को वो सक करता है, खींचता है और वो सप्लाई देता है हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट को। तो वो जो डक्ट रहता है उसको हम बोलते हैं फ्रेश एयर डक्ट। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एयर डैम्पर, ये पूछता है इंटरव्यूअर, व्हाट इज़ एयर डैम्पर। एयर डैम्पर क्या होता है? ये एक तरह का वेंटिलेटर के टाइप का होता है एयर डैम्पर। ये दो तीन तरह का होता है, मोटराइज्ड होता है, मैनुअल होता है। कि एक डैम्पर क्या होता है, ग्रिल रहता है कि इसको हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस ग्रिल को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, सप्लाई की एयर की सप्लाई को हम को जितना रूम में चाहिए उतना हम ओपन करना है डैम्पर को, उतना बंद करना, एक तरह का ग्रिल के टाइप का रहता है, ग्रिल सेम ग्रिल रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डैम्पर्स आर देयर, डैम्पर्स कितना तरीके के होते हैं? तो डैम्पर्स मैनुअली डैम्पर्स एक्चुअली दो तरीका के होते हैं, एक होता है जो मोटराइज डैम्पर होता है और दूसरा होता है मैनुअल डैम्पर। में हम लोग जानते हैं दो तीन तरह होता है, फायर डैम्पर हो जाता है, स्मोक डैम्पर हो जाता है, आपका मोटराइज डैम्पर हो जाता है, मैनुअल डैम्पर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ मिक्सिंग चेंबर और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कंपार्टमेंट एरिया वेयर रिटर्न एयर एंड फ्रेश एयर गेट मिक्स्ड, ये सवाल पूछता है इंटरव्यूअर, जानना चाहता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसको इस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं पता है, उसको जानकारी है या नहीं है। तो इस तरह से वो सवाल पूछता है कि मिक्सिंग चेंबर क्या होता है, या फिर वो कंपोनेंट जहाँ फ्रेश एयर और रिटर्न एयर मिक्स होता है उसका नाम क्या है, उस जगह का क्या नाम है, उस चेंबर का या उस एरिया का क्या नाम है, इस तरह से पूछता है। तो मिक्सिंग चेंबर एक एच यू के अंदर थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है जहाँ पे रिटर्न एयर और फ्रेश एयर डक्ट वहाँ पे ओपन होता है, खुलता है आगे, वहाँ क्या होता है रिटर्न एयर आता है और फ्रेश एयर को लाया जाता है और दोनों को मिक्स किया जाता है, उस जगह को हम लोग मिक्सिंग चेंबर बोलते हैं। अगर पूछता है इंटरव्यूअर व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कंपार्टमेंट एरिया, कि उस कंपार्टमेंट या उस एरिया का क्या नाम है जहाँ रिटर्न एयर डक्ट और फ्रेश एयर डक्ट मिक्स, फ्रेश एयर और रिटर्न एयर मिक्स होता है, या फ्रेश एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट आकर वहाँ पे खुलता है और वहाँ पे फ्रेश एयर और रिटर्न एयर आता है, उस जगह का नाम है मिक्सिंग चेंबर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का क्या यूज़ है? एयर फिल्टर का यूज़ है सिंपल, कि एयर के जो एयर रिटर्न एयर आता है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, गंदगी रहती है, उसको फिल्टर करना। रिटर्न एयर रूम से आया, वहाँ पे कुछ रूम में धूल या फिर कुछ गंदगी जो कि रिटर्न एयर के साथ आपकी यूनिट में आ गया, तो फिर से वापस रूम में ना चला जाए, तो उसको फ़िल्टर करने के लिए हम लोग एयर फिल्टर का यूज़ करते हैं, जो कि दो तीन तरह के होते हैं, आपका प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, बैक फिल्टर, हेपा फिल्टर, ये कुछ फिल्टर्स होते हैं
जो कि आपको पूछते हैं इंटरव्यूअर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयर फिल्टर्स आर देयर, इस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो आपको बताना है देयर आर मेनली 3 to 4 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। स्टार्ट करना आप लोगों को प्री फिल्टर, फिर बैग फिल्टर बैग के जैसा दिखता है, फिर फाइन फिल्टर और हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर थोड़ा चौड़ा होता है, वो स्मोक को फिल्टर करता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल क्या होता है। तो आपको बताना है कूलिंग कॉइल एक कॉपर का कॉइल होता है, कॉपर का पाइप होता है, जो जिसके अंदर हम लोग चिलर से चिल्ड वाटर सप्लाई देते हैं, इन करते हैं, और वो क्या होता है ब्लोअर फैन जब चलते रहता है ब्लोअर फैन, तो हवा इधर से सक करता है, खींचता है रिटर्न एयर से, और जब हवा उस कूलिंग कॉइल में टकराता है तो चिल्ड वाटर जो अंदर में रहता है वो ठंडा होने के कारण, हवा जब उसे टकराता है तो हवा गर्म से ठंडा हो जाता है और वो फिर रूम में सप्लाई दिया जाता है। कूलिंग कॉइल हमेशा कॉपर का होता है, ज़्यादातर कॉपर का होता है कूलिंग कॉइल, और वो क्या करता है वो चिल्ड वाटर को अपने अंदर रन करता है, उसके अंदर चिल्ड वाटर चिलर से जो आता है और वो हवा को ठंडा करने का काम करता है। व्हाट इज़ हीटिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल सेम कूलिंग कॉइल के जैसा रहता है, कॉपर का रहता है ज़्यादातर। उसमें क्या होता है कि चिल्ड वाटर कूलिंग कॉइल में दौड़ता है, तो इसमें हम लोग हॉट वाटर इसके अंदर रन करवाते हैं और ये ठंडे में काम आता है। ठंडे में जब रूम में ज़्यादा ठंडी होती है तो हम लोग कूलिंग कॉइल जो रहता है उसी की तरह हीटिंग कॉइल रहता है, इसमें हम लोग गर्म पानी का सप्लाई देते हैं और हवा जब इसे टच करता है तो हवा गर्म हो जाता है और रूम में हवा गर्म सप्लाई होता है। व्हाट इज़ ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर का क्या काम है पूछता है ये सवाल इंटरव्यू। व्हाट इज़ ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर है जो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम आता है एचयू के अंदर। जब हम लोग चिल्ड एयर रूम में सप्लाई करते हैं तो वो ह्यूमिडिटी उस समय रूम का ह्यूमिडिटी घट जाता है, और जो वहाँ पे पीपल जो लोग प्रेजेंट रहते हैं उनका उनको पता चलता है, उनका मुंह सूखता है, इस तरह से ह्यूमिडिटी घटने में एहसास होता है। तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग ह्यूमिडिफायर एक मशीन होता है उसको लगाते हैं एचयू के अंदर। वो क्या करता है वो दो तरह से काम करता है, एक तो या तो स्प्रिंकल करता है पानी को छिड़कता है ऊपर से गिराया जाता है ताकि हवा में पानी टच करे और हवा में नमी पैदा हो। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, नमी पैदा करना। एक होता है ह्यूमिडिफायर, एक होता है डी ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का काम है हवा में नमी पैदा करना ताकि मुँह ना सूखे रूम में, रूम में जो भी लोग हों उनका मुँह ना सूखे, उनको ज़्यादा उमस टाइप का ना लगे, तो ये ह्यूमिडिटी ज़रूरी होता है। अभी क्या करने का इसमें स्प्रे करता है या फिर हम लोग स्मोक एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर स्मोक बनाकर वाटर से वेपर बनाकर वह वेपर को अंदर छोड़ते हैं, वो वाटर वेपर एयर में जब मिलता है तो वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। ये दो तरह से होता है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ ब्लोअर मोटर, ब्लोअर मोटर क्या होता है। जो मोटर थ्री फेज का एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर में लगा रहता है जो कि ब्लोअर फैन को घुमाने का काम करता है उसको हम लोग ब्लोअर मोटर बोलते हैं। ये ब्लोअर मोटर और ब्लोअर फैन ये दोनों वी बेल्ट के थ्रू पुली से अटैच रहता है, मोटर घूमता है तो फैन को घुमाता है, ब्लोअर मोटर का ही काम है, ब्लोअर मोटर ये है। हाउ मेनी फेज ऑफ मोटर इज़ यूज इन HVAC सिस्टम, HVAC सिस्टम में कितने फेज के मोटर को का यूज़ किया जाता है। तो मेनली थ्री फेज का मोटर होता है जो कि HVAC सिस्टम में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ ब्लोअर फैन, ब्लोअर फैन क्या है। ब्लोअर फैन एक तरह का पंखा है, फ़ैन है, बड़ा सा रहता है। वो क्या करता है वो घूमता है, इधर से हवा खींचता है, रूम में सप्लाई करता है, वो घूमता है। ब्लोअर मोटर उसको घुमाता है, वो सिंपल रहता है, मैकेनिकल टूल है, मैकेनिकल आइटम है, वो घूमता है ब्लोअर फैन के। ब्लोअर फैन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ब्लोअर मोटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ब्लोअर फैन मैकेनिकल इक्विपमेंट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लोअर फैन आर देयर, कितने तरह के ब्लोअर फैंस होते हैं। मेनली दो तरह के ब्लोअर फैंस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड कर्व, एक होता है बैकवर्ड कर्व। फॉरवर्ड कर्व में जो पंखा रहता है वो आगे की तरफ झुका रहता है और बैकवर्ड कर्व में जो पंखा रहता है वो पीछे की तरफ झुका रहता है। ये दो तरह के ब्लोअर फैंस आते हैं। व्हाट इज़ CFM, CFM क्या। रूम में एक मिनट में कितना क्यूबिक फिट एयर, क्यूबिक फिट पर मीटर, एक मिनट में कितना क्यूबिक फिट पर मीटर एयर सप्लाई हुआ हमारे रूम में, इस चीज़ को नापने के लिए हम लोग ने एक यूनिट रखा है, इस चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट है जिसका नाम है CFM, क्यूबिक फिट पर मीटर। व्हाट इज़ PM, PPM एंड CM, ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ PM, PM क्या है, व्हाट इज़ PPM, PPM क्या है, और व्हाट इज़ CM, CM क्या है। तो PM है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, याद रखिएगा इसको, रट लीजिएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। PPM है प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। CM है करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस। अब इसमें क्या होता है, PM में सबसे पहले PM होता है, PM हम लोग मेंटेनेंस करते हैं अपने यूनिट का, एयर हैंडलिंग यूनिट का,
उसको हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ख़राब होने से पहले जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, ताकि वो यूनिट ख़राब ना हो, ये ब्रेकडाउन ना हो जाए, यूनिट का बंद ना पड़ जाए, ख़राबी की वजह से बंद ना करना पड़े। इसलिए मेंटेनेंस करना उस करना ज़रूरी है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, ताकि हमारा यूनिट अगर कुछ ख़राबी है तो उससे पहले ही हम उसको ठीक कर दें, ताकि कुछ ज़्यादा मेज़र ख़राबी ना हो और यूनिट ब्रेकडाउन ना हो। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंट मतलब बचाना, मेंटेनेंस मतलब करना। ख़राब होने से बचाने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, PPM, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या होता है कि हम लोग प्लान करते हैं और फिर बचाने के लिए मेंटेनेंस करते हैं, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये होता है। और CM होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, जब कुछ ख़राब हो जाता है और फिर हम लोग उस चीज़ को करेक्ट करते हैं यूनिट में, तो उसको करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। व्हाट इज़ BTU? BTU क्या होता है? BTU का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या होता है, 1 टन बर्फ़ को 1 घंटे में पूरा पिघलने में जितना एनर्जी इस्तेमाल होता है उसको हम लोग 1 BTU बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। या फिर 1 टन बर्फ़ को जमने में जितना ठंडक का ज़रूरत पड़ेगा, जितनी ठंडक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग 1 BTU बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। व्हाट इज़ एनेमोमीटर? एनेमोमीटर क्या है पूछता है, या फिर मैं बताता हूँ इसका एक और सवाल जो बनता है वो मैं बताता हूँ। एनोमीटर क्या है? एनोमीटर एक इक्विपमेंट है जिससे कि हम लोग CFM नापते हैं, CFM को मेज़र करने के लिए जो टूल का, जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह का मीटर होता है, उसको हम लोग एनोमीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग CFM मीटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग CFM मीटर भी कह सकते हैं एनोमीटर को। अभी इसका सवाल बनता है, फ्रॉम विच डिवाइस यू कैन मेज़र CFM? तुम CFM को कौन से डिवाइस से नाप सकते हो? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका भी आंसर है कि हम लोग एनोमीटर से नाप सकते हैं CFM को, या CFM मीटर से हम लोग नाप सकते हैं CFM को, बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। व्हाट इज़ PSI? PSI क्या है? PSI ये हम लोग प्रेशर नापने का यूनिट है, ये PSI प्रेशर को नापा जाता है, ये प्रेशर का यूनिट है। जैसे कि हम लोग किसी भी सामान को वजन में नापने के लिए KG का इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम का, तो उसी तरह से प्रेशर को नापने के लिए PSI का इस्तेमाल किया जाता है। PSI एक यूनिट है सेम KG के जैसा। हम लोग प्रेशर को PSI में नापते हैं, वजन को जैसे KG में नापते हैं वैसे ही प्रेशर को PSI में नापते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैनिफोल्ड गेज? मैनिफोल्ड गेज क्या है? ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, क्योंकि ये एक टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है HVAC में, AC में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। व्हाट इज़ मैनिफोल्ड गेज? मैनिफोल्ड गेज एक तरह का गेज है, एक तरह का इक्विपमेंट है, जिससे कि हम लोग गैस चार्जिंग के टाइम, गैस चेकिंग के टाइम, हमारी यूनिट में कितना प्रेशर है, इस सब चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं मैनिफोल्ड गेज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडेंसर यूज्ड इन HVAC सिस्टम? HVAC सिस्टम में जो कंडेंसर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? HVAC में मेनली 2 तरह के कंडेंसर होते हैं, एक होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, एक होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। अभी एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है उसमें क्या होता है कि कंडेंसर जो रहता है उसको हम लोग हवा के थ्रू ठंडा करते हैं, और वाटर कूल कंडेंसर जो रहता है उसमें कंडेंसर को हम, जो कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट रहता है, कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है उसको हम लोग पानी के थ्रू ठंडा करते हैं। एक तरफ कंडेंसर के जो अंदर रेफ्रिजरेंट रहता है उसको हवा से ठंडा करते हैं, उसको एयर कूल कंडेंसर बोलते हैं। जो वाटर कूल कंडेंसर होता है उसको हम लोग पानी के थ्रू ठंडा करते हैं, और यही को हम लोग एयर कूलर, वाटर कूल चिलर बोलते हैं। एयर कूल चिलर जो कि हवा से कंडेंसर को ठंडा किया गया, वाटर कूल चिलर जो कि पानी के थ्रू उसके कंडेंसर को, के रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया गया, यही होता है। व्हाट इज़ कंप्रेसर? कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर एक इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल यूनिट है, एक मशीन है जो कि क्या होता है, जो कि हमारे यूनिट में प्रेशर बनाने का काम करता है। वो रेफ्रिजरेंट को प्रेस करता है, दबाता है, और वो कंप्रेस करके, चीप कर, दबा कर उसमें प्रेशर बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है। कंप्रेसर का काम है प्रेशर बनाना। कंप्रेसर एक डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट में प्रेशर बनाता है, उसको प्रेस करता है और प्रेशर उसमें इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। ये चीज़ याद रखने का है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटा तो प्रेशर घटेगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्रेसर? कंप्रेसर कितने तरह के होते हैं? तो मेनली कंप्रेसर 4 से 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है रोटरी कंप्रेसर, दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो स्क्रू कंप्रेसर, पांचवा होता है स्क्रोल कंप्रेसर। व्हाट इज़ डेल्टा टी एंड व्हाट इज़ डेल्टा पी? ये क्या होता है?
डेल्टा टी किसको बोलते हैं, डेल्टा पी किसको बोलते हैं, तो द टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन द इन टेम्परेचर एंड द आउट टेम्परेचर इज कॉल्ड डेल्टा टी, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इन प्रेशर एंड आउट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा पी। अभी एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर जो चिल वाटर जाता है, इन करता है और जो आउट होता है, तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, इन क्या 7-8 डिग्री में इन करता है एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर चिल्ड वाटर कूलिंग कॉइल में, और आउट होता है 12 डिग्री में, तो 8 डिग्री में, तो डेल्टा आपका हमेशा 3 से 4 डिग्री रहता है। याद रखिएगा डेल्टा कितना डिफरेंस रहता है, तो 3 से 4 डिग्री डिफरेंस रहता है। 8 में इन किया तो 12 में आउट करेगा, 11 में आउट करेगा, 7 में इन किया तो 11 या 10 में आउट करेगा। सेम डेल्टा पी होता है डिफरेंस बिटवीन द इन टेम्परेचर इन प्रेशर एंड आउट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा पी। व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट्स यूज इन HVAC सिस्टम, HVAC सिस्टम में कौन कौन से रेफ्रिजरेंट्स यूज़ किए जाते हैं? तो मेनली याद रखना आपको कि HVAC सिस्टम में बड़े यूनिट्स में मेनली R134A इस्तेमाल किया जाता है, R410A, R141B ये सब इस्तेमाल किया जाता है, R22 छोटे यूनिट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, R32 छोटे यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है, R134A जो इसमें लगा रहता है, इसको इसका एक बहुत ख़ास मकसद है। ये इस ए का मतलब होता है कि नॉन टॉक्सिक ये गैस रहता है, जो ये आर रेफ्रिजरेंट 143 और 410 इसके जो पीछे ए लगा रहता है, तो ये जो गैस रहता है ये नॉन टॉक्सिक गैस रहता है और नॉन फ्लेमेबल गैस रहता है। कहने का मतलब है कि इसमें आग जल्दी नहीं लगेगा, आग लगेगा ही नहीं, नॉन फ्लेमेबल है और नॉन टॉक्सिक है, मतलब ये जहरीला भी नहीं रहता है, तो ये इसीलिए इसके पीछे ए लगाया जाता है, बाकी वो सब खतरनाक गैस रहता है R22, R32। वट आर द टाइप्स ऑफ फिल्टर यूज इन HVAC में कौन कौन से फिल्टर यूज़ किया जाता है? तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर यूज इन HVAC। फर्स्ट वन इज़ प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, बैक फिल्टर, हेपा फिल्टर, ये आप बता सकते हैं। वाट इज़ PM PPM, ये तो हो गया है। वाट इज़ एक्सपेंशन वल्व, एक्सपेंशन वल्व क्या है? वट इज़ एक्सपेंशन वल्व, एक्सपेंशन वल्व आपका एक तरह का हमारा डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट को स्प्रे करता है, जितना रेफ्रिजरेंट का रिक्वायरमेंट एवोपरेटर को होता है उतना रेफ्रिजरेंट ये एवोपरेटर को देता है। मेन काम है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को ये डिक्रीज़ करता है, बहुत ज़्यादा घटाता है रेफ्रिजरेंट, जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो जब लिक्विड लाइन से लिक्विड के रूप में जाता है तो एक्सपेंशन वल्व में पहुँचता है, तो ये उस लिक्विड को स्प्रे करने का काम करता है, फवारे की तरह स्प्रे करता है ताकि उसका प्रेशर एकदम घट जाए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाए एक्सपेंशन।